नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनु सुनीता। लालकुआ की सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधन पर बिंदुखत्ता और उसके आसपास के ग्रामीणों ने कुप्रबंध का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सेंचुरी पेपर मिल से निकलने वाले गंदे नाले को भूमिगत कराने की मांग को लेकर वे कई बार फैक्ट्री प्रशासन के अधिकारियों के पास जा चुके हैं, जिस पर उन्हें आज तक आश्वासन ही दिए जा रहे हैं और गंदे नाले को भूमिगत नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि नाले से गंदी दुर्गंध से वे लोग खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं और गांव में फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और नाले की दुर्गंध से आसपास के लोगों को सांस की बीमारियां हो गई हैं। उनका कहना है कि करीब 40 सालों से सेंचुरी पेपर मिल उनके इलाके में संचालित है, जिसमें स्थानीय गांवों के शिक्षित प्रशिक्षित युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि करीब 40 सालों से सेंचुरी पेपर मिल उनके इलाके में संचालित है, जिसमें स्थानीय गांवों के शिक्षित प्रशिक्षित युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। गांव के लोगों ने तहसील में प्रदर्शन कर रहे फैक्ट्री प्रशासन पर एनजीटी के मानकों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नाम भी ज्ञापन भेजा है। विगत 40 वर्षों से सेंचुरी पेपर मिल हमारे गांव में बसी है। पहले बिंदुखत्ता के एरिया में आती थी, वहां से लोगों को इन्होंने हटाया सेंचुरी पेपर मिल ने, और कहा कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, तुम्हें नए नए रोजगार के आयाम देंगे। और सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधक बिल्कुल मौन बैठा पड़ा है, अपने लोगों को काम देता है, अपनी स्थिति से चलाता है। सारे गांव के लोग बेरोजगार हैं, लोग परेशान हैं, हताहत हैं, तो इसलिए हमें मजबूरी में एक संगठन बनाना पड़ा जिसका नाम है तराई भाबर बचाओ संघर्ष समिति। हम इसके माध्यम से सेंचुरी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और लोगों को रोजगार दिलाएंगे। तो हमारे स्थानीय युवा बेरोजगार हैं और वो यहाँ पर जो है पॉलिटेक्निकल, बीटेक, सारे आईटीआई सारे करने के बाद जो है वो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। हमें अपने घर के पास नौकरी नहीं मिल पा रही है। हमें मिल प्रबंधक से यही वो है कि आशा है कि हम उनसे बात करके जो है यहाँ पर जो है युवाओं को रोज़गार मिले। 70% उत्तराखंड के युवाओं को रोज़गार देने की बात कही गई थी। ये थी लोगों की समस्या से जुड़ी हमारे संवाददाता सचिन जोशी की रिपोर्ट। आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।